बहन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लज तक पर। साथियों, बीते एक महीने से एक युद्ध चल रहा था एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम, जो बहुत बड़ा अपने आप में एक युद्ध था और हर एक बच्चा जो समझो इस युद्ध को लड़ रहा था और कुछ इस तरीके से लड़ रहा था कि उसे इस बार वर्दी चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब ये 12 तारीख को एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब बच्चे जो है एक अजीब सी कसमकस में है कि हमारा जो स्कोर है उस स्कोर के आधार पर हमें आगे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका सेफ स्कोर क्या होने वाला है फिजिकल के लिए, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में और फिजिकल को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि एक अनुमानित स्कोर आपका क्या होना चाहिए जिससे आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं और फिजिकल की तैयारी निश्चिंत रूप से कर पाए आप, ठीक है। चलिए, क्योंकि परफेक्ट तरीके से कोई भी नहीं बता सकता कि आपके इतने ही नंबर हो तभी आप जो है आप सुरक्षित हैं, इससे कम हो तो नहीं है, इससे ज्यादा हो तो नहीं है। हाँ, अनुमानित बता सकते हैं क्योंकि हम लोग भी जो है ईश्वर नहीं है, लेकिन जितना एनालिसिस हम लोग करते हैं, जितनी चीजों के बारे में जानते हैं, कई बच्चों से मुलाकात करते हैं, एग्जाम शिफ्टों को देखते हैं, इसके आधार पर या पिछले वर्ष के जो पैटर्न है उसके आधार पर हम अनुमान कर लगाते हैं कि इस बार जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन इस बार तो आपको पता है कि बहुत सारे बदलाव भी हुए, चाहे वो आप देखें एक इफेक्ट आता है आपका जो फॉर्म फिल हुए थे वो भी पिछली बार की तुलना में कम थे, दूसरी चीज आपका इफेक्ट आता है तो आपकी जो वैकेंसी है वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा हुई है, तो ये भी दो इफेक्ट है जिससे कट ऑफ में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि इस बार फिजिकल के भी नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब फिजिकल के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ लीजिए कि आपकी जो पहली वाली कट ऑफ है वो हो सकता है कि कम हो जाए। क्यों? कारण सिर्फ ये है क्योंकि अब आपका रिटर्न ही इंपोर्टेंट नहीं है, आपका फिजिकल भी उतना ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और फिजिकल ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग नेचर का हो कि आप क्वालिफाई कर गए तो आपको आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं, उसमें भी आपको एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप अच्छे नंबर लेके और फिर जाके आप क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो ये बहुत अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बार की जो कट ऑफ होने वाली है फिजिकल के लिए, उसके लिए चलिए एक एक चीज पर बिल्कुल बिंदुवार तरीके से हम विश्लेषण करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इसके साथ साथ हम बताएं कि फिजिकल की तैयारी आप करें या नहीं करें, अगर आपके नंबर जो हम बताने वाले हैं उस आधार पर सही बैठते हैं या इसके आसपास बैठते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कम बैठते हैं तो फिर आपको क्या रास्ते अपनाने चाहिए, इन सब चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस बार इतने नंबर कम जाएगी कट ऑफ, यानी कि कितने नंबर तक कम हो सकती है कट ऑफ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी, कोई अलग से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही जानकारी देंगे तो वो आपको जानकारी मिलेगी, आपके पास होगी। तो हम एक चीज बस बताने वाले हैं कि आप इस तरीके से समझो, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, आप लगाइए दिमाग जरा कि क्यों नहीं कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 2022 की। अगर हम बात करें तो 2022 में जो टोटल पोस्ट थी वो 6000 थी, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें तो फॉर्म फिल जो हुए थे वो लगभग 12 लाख के समथिंग हुए थे, ठीक है। इसमें जो फिजिकल के लिए जो बुलाए गए थे, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि फिजिकल के लिए पिछली बार जो है वो 5 गुना बच्चों को बुलाया गया था और इस बार जो है अब आप देख सकते हैं कि 7 गुना बच्चों को बुलाने वाले हैं, तो कहीं ये इफेक्ट नहीं देगा, बिल्कुल इफेक्ट देगा। अब हम बात करते हैं अप्रोक्स लगभग देखा जाए तो वैकेंसी का 5 गुना बुलाना तो 30,000 के समथिंग जो है वो आपके कैंडिडेट बुलाने वाले थे। दूसरा अहम रोल जो होने वाला है वो फिजिकल मार्क है, तो 2022 में फिजिकल के कोई मार्क नहीं थे, केवल क्वालिफाइंग नेचर का था, इस बार जो है ये मार्क होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट देने वाला है। वहीं हम बात करें तो एमपी पुलिस 2023 की वैकेंसी की तो वो टोटल 7400 प्लस है और इसमें अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल जो है वो 8 लाख ही हुए, क्योंकि साइड लास्ट के टाइम में जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, इस वजह से बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं कर पाए और कई ऐसे बच्चे होंगे उसमें जो वास्तव में टैलेंटेड होंगे लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पाए, ठीक है। कोई बात नहीं, वो चीजें एक अलग थी, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते उसके लिए। फिजिकल की बात करें तो यहाँ पे 7 गुना फिजिकल के लिए बच्चे बुलाने वाले हैं। अब आप सोच सकते हो कि 7 गुने का मतलब लगभग 52,000 कैंडिडेट ये क्वालिफाई करेंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। और इस बार आपको फिजिकल के मार्क भी मिलने वाले हैं, जिसको आपको पता है कि 100 नंबर का आपका रिटर्न है, 100 नंबर के आपको 100 नंबर आपका फिजिकल के लिए जा रहा है, ठीक है। तो फिजिकल अहम है, क्योंकि फिजिकल आप इस चीज को समझ लीजिए कि हल्का फुल्का फिजिकल नहीं है,
तो फिजिकल के भी नंबर जो है वो इफेक्ट करेंगे बहुत ज्यादा, इसलिए हो सकता है कि बहुत से बच्चे जो है क्वालिफाइड ही नहीं हो पाए, बहुत से बच्चे ऐसे भी आएंगे जो नंबर कम लेके आ पाए, तो ऐसी भी स्थिति आएगी। इसलिए वो आपको पता है कि उन्होंने खुद बोला है कि हम 7 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है। तो एक तो मुद्दे जो है वो ये बनने वाले हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं पिछली बार जो कट ऑफ है, कई बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाली है, इस चीज को भी दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा कम होना, बहुत ज्यादा कम अगर आप करने भी जा रहे हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब पिछली भर्ती आई थी 6000 के समथिंग, उसके बाद से ही पता चल रहा था बच्चों को कि 6000 की भर्ती और आनी है, लगभग 6000 की भर्ती का अनाउंसमेंट हो गया था, अब वो बढ़ के तुम्हारी 7400 के समथिंग हो गई है, वो बात एक अलग है, तो पहले से पता था बच्चों को, इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे जो है कोचिंगों में तैयारियां कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे थे, तो अच्छे नंबर हैं बच्चों के, ऐसी बात नहीं। शुरुआत की शिफ्टों में तो बच्चों ने 85+ भी नंबर लगाए, बाद की शिफ्टों में थोड़ा सा पैटर्न बदला है तो बच्चों के जो नंबर है वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन कम नहीं जी समझो, क्योंकि शुरुआत का जो आपका जो नंबर है वो एजी शिफ्ट की वजह से है और बाद का नंबर जो है वो सही ऑथेंटिक है, इतनी तैयार थे बच्चे, तो आप सोच लीजिए ज्यादा कट ऑफ कम नहीं होने वाली है। तो पिछला कट ऑफ के बारे में आपको बताते हैं, 2022 में जो गई थी जिसमें फिजिकल नहीं था, फिजिकल के मार्क नहीं थे, उसकी हम आपको बात करते हैं। देखो जरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमपी पुलिस 2022 की जो फाइनल कट ऑफ थी उसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, तो यहाँ देखो जो यूआर की कट ऑफ जो थी ओपन यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो थी वो 80.68, इतने से अनुमान लगा सकते हो आप ना कि 80.68 यानी कि 80% पे सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी का, तो अब आप सोच लीजिए कि 80% से अगर कम करेंगे भी तो कितना कम करेंगे, वो आपको जो पता है कि जो फिजिकल के लिए नंबर बुलाए गए थे वो 70+ थे, जब 70+ थे तो 70 के आसपास तो रहने ही वाली है, इतना तो आप समझ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे है ना पहले वो दौर आता था कि जब बच्चे रिटर्न कर लेते थे इसके बाद फिजिकल की तैयारी के लिए जाते थे, अब अकेडमियां इतनी ज्यादा चल रही हैं और बच्चे फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में रिटर्न की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चे कम नहीं समझो, बच्चे तैयार हैं, प्रॉपर तरीके से तैयार हैं जिन्हें सिलेक्शन लेना है, तो इतनी ज्यादा कम नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ पिछली बार की तुलना में कम होगी कट ऑफ, उसके रीजन आपको हमने पहले बता दिया, ठीक है। तो अब यहां हम बात करते हैं 80.68 है, इसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो 67.56 गई थी ये जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस पे बात करें तो 73.56 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहां फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की कोई कट ऑफ शो नहीं कराई थी उन्होंने, जैसा भी रहा हो, ठीक है। आगे हम बात करें ओबीसी की 77 पे हुआ था, 77 पे फाइनल हो गया था, और अब आपको पता है कि लगभग देखा जाए तो इनका भी 70 के आसपास फिजिकल के लिए बुलाया गया था, ठीक है। और यहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो सोच लीजिए 72.9 पे फीमेल का कैंडिडेट का ओबीसी से हुआ था, जबकि जनरल का आपका 67 में ही हो रहा था, तो सोच लीजिए कि ओबीसी के जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जी समझो कि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं टक एक अहम मुद्दा होने वाला है, ठीक है। यहां बात करें एससी की तो ये 72, एससी कैटेगरी 72 यानी 70%+ में फाइनल हो रहा है, तो आप सोच सकते हो ना। यहां बात करें ये 66.18 पे फीमेल कैंडिडेट हुआ था, और वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो 66.14 और 59.88 पे ये फीमेल कैंडिडेट है। ये 2022 का हमने आपको डाटा पूरा दिया है, और जो डाटा आपके पास पहले से ऑलरेडी रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वही आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हमारे अनुमान से हो सकती है वो आप समझिए। हाँ आप कहेंगे सर हमारे 55 नंबर हैं और हम फिजिकल के लिए आ जाएंगे, तो हम ऐसा नहीं कहने वाले हैं। अगर आपके 55 नंबर हैं, संभवता के आप एसटी और एससी कैटेगरी से, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप आ भी जाएं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप केवल और केवल एमपी पुलिस के लिए बने रहें, केवल केवल एमपी पुलिस की फिजिकल की आप तैयारी करते रहें, अन्य सारी चीजें छोड़ दें, तो कतई नहीं कहेंगे। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी करें और अच्छे तरीके से करें, साथ साथ में फिजिकल करना है तो वो भी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि 50% पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी चीज क्लियर आप दिमाग में रखें, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे अनुसार ये जो कट ऑफ होने वाली है वो क्या होने वाली है, या कहां तक आप संभावित है जो आपके नंबर है वो यहां तक होने चाहिए, और आप इसमें जो है कहीं ना कहीं हद तक अपने आप को सेफ महसूस करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए आपके जो नंबर हैं वो 72 यानी 70 से प्लस और 72 के आसपास, अगर आप 72+ हैं तो जी समझो कि आप अपने आप को सेफ महसूस करें कि आप फिजिकल के लिए तो आपका नाम आने ही वाला है, कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो 72+ अगर आपके हैं तो यू आर कैटेगरी से हैं, तो आप जी समझो फिजिकल की तैयारी निश्चिंत होकर करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए, तो आप अगर 68+ हैं तो फिर आप फिजिकल की तैयारी करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओबीसी अगर आप 70+ हैं तो आप करिए। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये फिक्स यही है कि इससे प्लस ही हो, तब
हो सकता है कि एक आध दो नंबर कम भी हो जाए, क्योंकि ये मेरा अनुमान है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि यही आके रुक जाएगी, अनुमान है कि इसके आसपास है, तो आप तैयारी करिए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए जैसे ओबीसी की बात करें कि 70 से कम है, आप 65 से और 70 के बीच में है, तो आप दोनों चीजें करिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। फिजिकल भी करिए, फिजिकल में पूरा दिन नहीं देना है, दोनों चीजें करते रहिए। फिजिकल अगर आपके लिए आ जाता है आगे चल के, आप हो सकता है कि फाइनल में भी थोड़ा आपको दिक्कत हो जाए, फिजिकल कम हो जाए और उसकी वजह से फाइनल में दिक्कत हो जाए, तो फाइनल अब ये मैटर नहीं करता कि यहां से आप इतने प्लस नंबर लेके आ रहे हैं तो फिर आप फाइनल हो जाएंगे। फाइनल के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कितना नंबर का आपका जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो फाइनल नहीं कर सकते हम, फिजिकल के लिए बोल सकते हैं कि आप इतने प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे और आप फिजिकल के लिए तैयारी करें, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो एससी के लिए 65 प्लस हो और एसटी के लिए 62 प्लस हो, ये हमारी तरफ से अनुमानित कट ऑफ आपके फिजिकल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक आध दो नंबर इधर उधर भी हो सकता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो ये 67 प्लस, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से फीमेल कैंडिडेट हैं तो 60 प्लस, और ओबीसी से फीमेल कैंडिडेट है तो 65 प्लस, और वहीं एससी और एसटी से हैं तो आप इस चीज को समझे कि एससी कैटेगरी के जो है वो 60 प्लस, और वहीं एसटी कैटेगरी के जो है जो 50 प्लस है। हम ये कह रहे हैं कि 50 प्लस का मतलब यह है कि 50 प्लस में आपकी संभावना है, लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है कि 55 के करीब तो 55 से प्लस होना ही चाहिए, ये आपके लिए हम एसटी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे अनुसार आपकी अनुमानित या सेफ स्कोर हमारे अनुसार ये हम महसूस कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। और हाँ, ये केवल एक्सपेक्ट हम ही नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपका अनुमान क्या लगता है, आप अपने भी अनुमान लगाते रहिए, और साथ साथ में आपने जब एग्जाम देने गए होंगे तो कई शिफ्टों के बारे में पहले एनालिसिस किया होगा, देखा होगा कि कितने संख्या में बच्चे जो है इतने इतने स्कूल लेके आ रहे हैं, साथ साथ में अपनी जो शिफ्ट हुई होगी उसमें अपने लेब का तो ही देखा ही होगा कि कितने बच्चे जो है वो क्वालिफाइड कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मैं एक छोटी सी जगह पे ब्रांच चलाता हूं, तो छोटी सी जगह पे जो मेरे यहां बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों में अगर हम बात करें तो अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस हैं, अधिकतर बच्चे 80 प्लस हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर एक लैब से अगर 10 बच्चा भी अगर आप 75 के करीब या 70 प्लस लगा रहा है तो कट ऑफ कैसे, आप सोच सकते हो एक सेंटर के एक लैब से एक शिफ्ट में अगर 10 बच्चा भी 70 प्लस लगा रहा है तो आप 70 से नीचे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कैसे सोच सकते हो। हमारा तो अनुमान नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपका अनुमान हो सकता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा अनुमान जो है उसके अनुसार ये कट ऑफ ये हो सकती है। आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये हमारा जो अनुमान है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी करिए, और उम्मीद यही करेंगे कि आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे और आगे आने वाले समय में फिजिकल के बाद आप फाइनल कट ऑफ में भी आप अपनी जगह बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।